के छे में शामिल और के कई आदमी छे में शामिल हम दोषी हम नहीं चिन्ह लिए है आकाश कुमार के चिन्हे छे और आकाश कुमार मंडल है सोनू कांड में दोषियों की गिरफ्तारी व फर्जी एफआईआर वापस करने को लेकर एमएसयू ने किया नगर थाना का घेराव। नगर थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद माने आंदोलनकारी, कहा न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे। बीते दलसिंहपुर रत्नोपट्टी मोहल्ला निवासी सोनू सैनी का लाश आम के पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। आए दिन गुस्साए लोगों का हुजूम लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब तक किसी भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो सका, जिसको देखते हुए अब सोनू सानू को न्याय दिलाने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे आ गया है। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एमएसयू के कार्यकर्ता नगर थाने का घेराव करने पहुंच गए, जिसकी घोषणा पूर्व ही कर दिया गया था। इस बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि सोनू सहनी को एक साजिश के तहत जान से मार दिया गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन का चुप्पी संदेह की ओर इशारा करता है। दोपहर 12 बजे के करीब में रत्नोपट्टी से सैकड़ों लोगों के साथ एमएसयू के सदस्य नारेबाजी करते हुए नगर थाना पर पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क थे। मुख्य द्वार को पहले से बंद कर दिया गया था और गश्ती दल को पहले से ही थाने पर खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद आंदोलनकारी मुख्य द्वार के आगे में बैठकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन को बेनीपुर से जिला परिषद सदस्य सागर नवादिया, एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास, नगर सचिव अविनाश सहनी, नीरज भारद्वाज, नगर मीडिया प्रभारी सुमित कुमार व अंकित भारद्वाज ने संबोधित किया। की कहबे नाय बाबू हत्या कइल गेल बाबू के छै में शामिल आइमे शामिल एगो आकाश कुमार दस बेर कते पूछै छै बाबू और के कए आदमी छै में शामिल आइमे शामिल दू लड़का हम दोषी हम नै चिन्हलिए है आकाश कुमार के चिन्हे छियै और आकाश कुमार मंडल है हमर बाबा सोनू हमर बेटा के वही कातिल है। हमर बेटा खाना खाए चल तो वो बुलाबे चल पानी पिए चल तो वो बुलाबे चल, लेकिन हमरा बउआ के घटना भेल हम वहाँ पर पूछे गेलिए ओकरा से कि रे बउआ रे बउआ हमर सोनू कहाँ है, तो वो बोलल कि जे ओकर बहिन के पूछलिए मुस्कान नाम के लड़की भाई के बात कर लड़की के छे मुस्कान ओकर भाई आकाश कुमार के भाई आकाश कुमार बताए अपने इस मामले में सर स्पष्ट बताए हैं। हम भी सर से आग्रह किए जो ऐसा कीजिए कि जो एफआईआर हुआ है उसको जो है तो हटा दीजिए। तो सर बोले हैं एक पेटिशन हम लोग लिख के सर को देंगे, ठीक ना, और पूर्ण रूप से सर सहयोग करेंगे। और एक चीज सुन लीजिए, जो गिरफ्तारी की बात है, देखिए 5% चांस भी हम लोगों को मान के चलना होगा, अगर वो निर्दोष भी हो सकता है मान के चलना होगा। ऐसा नहीं है कि 100% साबित कर दिए कि वो है ही, मान के भी चलना होगा, मान के भी चलना होगा। उसके लिए ये लोग जो भी कल्प्रिट है, जिनका गुनहगार है, उन लोग को बुलाकर पूछताछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो गिरफ्तार भी करेंगे, और गिरफ्तारी के बाद हो सकता है 2 दिन 1 दिन के बाद उनको छोड़ भी दे, ठीक, क्योंकि अनुसंधान का मामला है। और दूसरी बात है कि इसमें CID का भी जाँच करवाया जा रहा है, CID से भी जाँच करवाया जा रहा है, तो लोग अपने स्तर से भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग को अभी बीच में हुआ क्या था कि आप में और थाना में मतभेद हो गया था, हुआ था ना मतभेद, मतभेद हो गया था। ये कई चीज बताएंगे कि आप लोग को जो भी चीज कहना है, हमारे जो यूपी के प्रभारी हैं उनके उसका अनुसंधान कर रहे हैं, उनके पड़ता है, लेकिन निगरानी हम इंस्पेक्टर के नाते उस चीज को निगरानी कर रहे हैं। जहां उनसे अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको असंतुष्टि है, तो 2 आदमी 1 आदमी हमसे आके खुल के अपने बातों कहें, बीच में किसी प्रकार का मतभेद अच्छा कुछ भी नहीं रहे। ये केस जो भी है हत्या केस दर्ज किया गया है, इसमें छोटे छोटे बिंदु पर अनुसंधान के बिंदु पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि घर वाला क्या बता रहा है, ग्रामीण क्या बता रहा है, पड़ोसी क्या बता रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, जो साक्ष्य मिल रहा है क्या वो संकेत दे रहा है, जो साक्ष्य मिल रहा है वो क्या संकेत दे रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या संकेत दे रहा है, बड़े पदाधिकारी क्या हमसे पूछ रहे हैं, जो भी जानकारी हो, जब तक कि उसके घर वाले अगल बगल के लोग हम लोग के साथ नहीं रहेंगे, तो हम लोग को अनुसंधान करने में कठिनाई होती है। अनुसंधान में कोई चीज़ पर ज़्यादा दबाव डालना ठीक नहीं है, अनुसंधान में विश्वास करके चलना पड़ेगा। पुलिस जो काम कर रही है, जहाँ कन्फ्यूजन जहाँ मतभेद है, हमसे आप बात कीजिए।